चमचागिरी करने का भी एक हक होता है। कांग्रेस पार्टी ने सच कहा है, जब जब मोदी डरता है तो पुलिस को आगे भेजते, उसी तरह जब जब पेमा खांडू डरते हैं तो निशी को ही क्यों आगे भेजता है। एसएसबी जो है आज का दिन में अरुणाचल को बहुत पैदामन पेमा खांडू जो दिया है, वो अच्छी विवेक जो इतना आसान से बोल दिया एसएसबी जो इतना अच्छा है लोग के लिए। हम बोलते हैं ये मुम्पा लोग के लिए तो एसएसबी नहीं है। हम लोग एंटी देम बोलने के लिए एक ऐसे चार्टर तो डिमांड में नहीं है। कितना यूथ को जो है कि इम्प्लॉयमेंट दिया गया है, सबसे पहले गुड आफ्टरनून मेरे फ्रेंड्स एंड थैंक यू दिमुख न्यूज़ एंड एटीटीवी न्यूज़। ये ऑन बिहाफ ऑफ टीम को दिन का मोमेंट से मोमेंट की ओर से आज हम सभी यहाँ में आके एक स्पेशली जो रिसेंट जो हमारा बीजेपी पार्टी का स्पोक पर्सन ने हमारा दो दिन टीम के ऊपर में जो चार्टर ऑफ डिमांड 3 अगस्त में हम लोग ने फ्लैश करके पीसफुल धरना आईजी पार्क में हम लोग कंडक्ट किया गया था, उस हम लोग का चार्टर ऑफ डिमांड्स को लेके स्पोक पर्सन बीजेपी का कहना है कि हमारा चार्टर ऑफ डिमांड जो है कि टोटली एक एंटी डेम का एक हिस्सा है और एंटी डेम का एक मूवमेंट है, ये बोल के उसने जो है कि क्लैरिफिकेशन आम जनता को जो है कि बताया गया है। तो उस रिगार्ड्स में आज प्रो डेम सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मेंबर्स को क्लैरिफिकेशन देने के लिए यहाँ हम लोग जो है बैठ रहे हैं और उस प्रेस ब्रीफिंग को मैंने बहुत अच्छा से देखा। हमारा जो बीजेपी पार्टी का स्पोक पर्सन है नाबुम विवेक जी, उसने ये बोलता है कि सबसे पहले उसने ये बोला है कि प्रो देम मूवमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश का जितना जो हरकती है, जितना चार्टर ऑफ डिमांड हम लोग ने फ्लैश किया, उस चार्टर ऑफ डिमांड ने उसका हिसाब से ये लगता है कि एंटी देम है, लेकिन हम लोग को जो है कि ये बोला गया है कि प्रो है तो देम का पेवर में जो है कि बात करना चाहिए। और सबसे पहले ये प्रो डेम मूवमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश ये चीज़ को जो है कि उसने कंसेप्ट को शायद क्लियर नहीं हुआ है, तो इसलिए आज आपको मैं क्लियरिफिकेशन देना चाहेगा। प्रो मीन्स इन फेवर ऑफ, ऑफकोर्स आपने सही चीज़ को डिफाइन किया कि हम लोग प्रो दे मूवमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश ये है कि मतलब देम जो बनना चाहिए, देम बिल्कुल हमारा स्टेट में बनना चाहिए। अकॉर्डिंग टू सेंट्रल इलेक्ट्रिक अथॉरिटी ने रिसर्च करके 57,000 मेगावाट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हमारा यहाँ में इस्टेब्लिशमेंट हो सकता है बोल के उसने सर्टिफाइड किया गया है। तो उस हिसाब से जो है कि अकॉर्डिंगली स्टेट गवर्नमेंट ने 142 एमओयू साइन किया गया है, तो जितना जो 42 एमओयू साइन करके अपन मनी भी लिया है तो उसने कहा है कि थ्रो एक्स चेकर में ही डिपॉजिट किया गया है। तो उसमें सिंपली सा बात यह है, हम लोग किसी गवर्नमेंट का खिलाफ नहीं है, किसी पेमा खांडू सरकार का खिलाफ नहीं है। यहाँ में अगर स्पोक पर्सन जो कहता है कि 1,495 crore and 73 lakhs and 72,000 पैसा जो है कि स्टेट एक्सचेकर में रिसीव किया है, उसको जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में जो है कि उसने जो है कि उस पैसा को जो है कि यूटिलाइज किया गया है, तो मेरा सवाल ये बनता है टीम प्रो देम का तरफ से, सवाल ये बनता है कि उस 1,495 lakhs and 73 lakhs and 72,000 पैसा को कहाँ में यूटिलाइज किया गया। हम लोग सिंपली सा हम लोग का चार्टर ऑफ डिमांड में 12 नंबर ऑफ चार्टर ऑफ डिमांड में नंबर वन में हम लोग ये प्लेस किया गया था कि एक वाइट पेपर पब्लिश कीजिए, उसको आप अस्पताल बनाने में उस पैसा से जो है कि फंडिंग अगर आप उसमें भेजा भी है तो हम लोग को दिखाई है, या उस पैसा से जो है कि एक इंस्टीट्यूशन या एक स्कूल बनाया है तो हम लोग को दिखाई है। तो हम लोग उसमें सिंपली सा बात हम लोग वाइट पेपर की तो डिमांड किया है, उसने हम लोग किसी का खिलाफ नहीं बोला है। तो उसने ये प्रो देम एक पेवर में बात करना चाहिए ये बोलता है। ऑफकोर्स हम लोग का एक टीम का एक कहना है कि देम बनना चाहिए, लेकिन देम बनना चाहिए लेकिन वो सिस्टमेटिक से होना चाहिए, या सिस्टमेटिक देम वो बोलता है कि पारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है कि बनना भी है तो बहुत सिस्टमेटिक बहुत अच्छा से बनाए बोला है, उसने सुपरवाइज किया है, चलो ठीक है पारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो बना भी है तो फिशरीज डिपार्टमेंट से क्लियरेंस लिया है कि नहीं लिया वो तो हमको समझ में नहीं आता, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से जो है कि फॉरेस्ट क्लियरेंस सर्टिफिकेट वो लोग लिया है कि नहीं लिया है।
अरे हाइड्रो इलेक्ट्रिक सिटी जो अभी जो डैम जो है अभी जो कमीशन हो चुका है वो पारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी जो है कि इलीगल वे में कंस्ट्रक्शन किया गया है, नंबर वन। और नंबर टू, यहाँ में जितना जो हमारा स्टेट में जितना बीजेपी करदास बोलता है और उसका जो जितना एग्जीक्यूटिव मेंबर्स है, मंडल प्रेसिडेंट क्या क्या नाना प्रकार का ये बात करता है, जब भी प्रेस ब्रीफिंग में हम लोग को देखने को ये मिलता है कि सिर्फ यंग एंड डायनामिक चीफ मिनिस्टर इज वेल एंड गुड, लेकिन नाम कहता है अगर आप पार्टी का त्रोश है किसी ऑर्गेनाइजेशन का इशू को जो है कि अगर सच में आप कॉग्निजेंस लेता है, अगर सच में आप उसको जो है कि इशू को कॉग्निजेंस लेके एक स्टेट का इंटरेस्ट में या पब्लिक का हित के लिए या पब्लिक का भलाई के लिए अगर सच में आप काम करना चाहता है तो हम बोलता है कि सबसे पहले आप जो है कि रिसर्च करना है, डिटेल स्टडी करना चाहिए कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन जो एसोसिएशन जो चिल्ला रहा है वो किस बेसिस में चिल्ला रहा है, या जेन्यून चीज़ को या असलियत चीज़ को बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, स्टडी डिटेल स्टडी करने का बात ही बात करना चाहिए। यहाँ में कम्प्लीटली हमारा टीम प्रो देम का ओर से जो 1200 डिमांड जिस 3 अगस्त में हम लोग पीसफुल धरना जो ऑर्गेनाइज करके सभी पब्लिक को जो है कि आम जनता को जो है कि हम लोग जो है कि अवेयरनेस किया गया था, उस 1200 डिमांड में जो है कि एक भी पॉइंट जो है कि हम लोग का एंटी देम बोलने के लिए एक भी ऐसे 1400 डिमांड्स में नहीं है, वो क्लियरिफिकेशन है। और उसके बाद मैं आम जनता सभी पब्लिक से मैं रिक्वेस्ट करता है कि ऐसे जो क्लियरिफिकेशन स्टेटमेंट, इनकम्प्लीट स्टेटमेंट और जो है कि जो सच को जो स्टेटमेंट जो है कि मीडिया में आके ब्रीफिंग नहीं करता है, जो अपना ही जो चीफ मिनिस्टर को जो है कि यंग एंड डायनामिक जो है कि तारीफ मार के मीडिया ब्रीफिंग को ख़त्म करना, उस मीडिया ब्रीफिंग को हम तो बोलता है कि अगर सीएम अपना ही पार्टी का सीएम को जो है कि तारीफ करने के लिए यहाँ अगर प्रेस ब्रीफिंग में आता है तो नहीं आने से बेहतर रहेगा। हाँ, एंड देन नंबर थ्री, ये क्या बोलता है, उसने ये बोला है कि सफिशियंट जॉब रिक्रूटमेंट और जॉब रिक्रूटमेंट एंड जॉब जो है कि एम्प्लॉयमेंट जो है कि दिलाया गया है बोला है पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट में। चलो ठीक है, उसको बनाया गया है, चलो सर ठीक है, लेकिन वो एडवर्टाइजमेंट उसमें कितना पोस्ट आया है, स्पोक पर्सन एक पार्टी का थ्रो से जबकि आप मीडिया में जब ब्रीफिंग करता है तो ठीक है, पर्टिकुलरली पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट से कितना यूथ को जो है कि इम्प्लॉयमेंट दिया गया है, आप पेपर और पेन में दिखा के हम लोग एविडेंस में हम लोग ब्रीफिंग की जाता है हम लोग बिलीव करेंगे, आप मुख में ये बोलने से नहीं होगा कि हम लोग सफिशियंट इम्प्लॉयमेंट दिलाया गया है, ये बोलने से नहीं होगा, रिटर्न में हम लोग को दिखाई है। और आप पार्टी का स्पोक पर्सन जब सीएम को जो है कि आप जब तारीफ मारता है तो सबसे पहले ब्रीफिंग में नहीं आने से पहले आपका जो है कि पार्टी ने हमारा स्टेट को जगह संभालने का बाद 7 ईयर्स के अंदर में हमारा स्टेट में जो है कि कौन सा चीज़ को डेवलपमेंट किया है, सिक्स ईयर्स के अंदर में ना एक अच्छा कॉलेज बनाया गया है या एक अच्छा हॉस्पिटल बनाया गया है क्या, ना क्या कैपिटल का सड़क को रोड को ठीक से किया है क्या, उसका एक प्रोग्रेस रिपोर्ट को जो कि हम लोग को आम जनता पब्लिक को बताइए ना। हमेशा रोज जब भी ब्रीफिंग आता है कि यंग एंड डायनामिक चीफ मिनिस्टर तारीफ मार के उसका बाद अपना ब्रीफिंग खत्म करता है, तो लास्टली हम वही बोलेगा कि जितना आम पब्लिक्स को जो जिसने बीजेपी का स्पोक पर्सन है जिसने हम लोग का जो 400 डिमांड को जो है कि उसने निगलेक्ट किया और उसने कहा है कि ये एंटी डैम होना चाहिए, ये उसका कंसेप्ट बिल्कुल गलत है। वेरेस हम लोग का 1200 डिमांड हमने जो फ्लेश किया एक भी पॉइंट उसमें ये हम लोग को कोई लग भी नहीं सोच भी नहीं सकता है कि, और ये हम लोग को जो है कि इंक्लूड भी नहीं कर सकते कि हम लोग जो है कि एंटी डैम। अभी जो जितना जो बोलना था वो मेरा स्पोक पर्सन ने बोल दिया है तो मैं इसमें थोड़ा इंक्लूडिंग करेंगे। तो ये एक्चुअली आज का जो मेन मुद्दा जो है एक्चुअली सिंस फ्रॉम 2016 से है कि उसको आज बीजेपी स्पोक पर्सन अचिन आबम बेबिक ने हम लोग का ऊपर में कंतर किया कि इसमें बहुत सारा बोल दिया है। तो एज ए प्रेसिडेंट एज ए प्रो देम हमेशा पब्लिक का इंटरेस्ट में ही हम लोग जो है काम करते रहा, लेकिन उसको बीजेपी सरकार बहुत इनकार किया। तो आज एक स्पोक पर्सन ने रिप्लाई देते देते ये कहा है कि एंटी डैम बनाना चाहिए। मैं क्लियरली बोलता हूँ इस चार्टर ऑफ डिमांड जो 12 पॉइंट में है अची विवेक जी एंड जो बीजेपी पार्टी है जो हमारा
प्रो देम का जो चार्टर ऑफ डिमांड जो 12 पॉइंट में से एक भी एंटी देम लगता है, तो आप कौन सा पॉइंट में एंटी देम लगता है सिर्फ आप बता दीजिए, उसको हम लोग सिर्फ क्लैरिफाई करने के लिए आज इसलिए ये जो तीन चैनल का माध्यम से हम लोग जो आप लोग आम जनता को बताना चाहता है कि आप लोग ऐसे ही बोल देता है जो नेपको ऑफिस को हमारा अरुणाचल में बनाओ बोलना है, क्या ये एंटी देम है क्या? एंटी देम तो आप लोग ही कर रहे हैं जैसे लगता है हमको, आप ऑफिस ही बनाना नहीं चाहता है, काम ही हमें कर रहा है, हमारा स्टेट में रिव्यूनी को जनरेट करके खुद ही हमारा स्टेट का रिव्यूनी को बढ़ाओ बोला है कि ये एंटी देम है क्या? ऐसे किसी का ऊपर में संपत्ति लेने के लिए चमचागिरी लेके किसी ऊपर में एक बीजेपी स्पोक पर्सन होकर आप किसी का ऊपर में ऐसे ऑर्गेनाइजेशन का ऊपर में एलिगेशन डालना और ये रीनेम करो बोलना, ये इनकम्प्लीटली वाला स्टेटमेंट है, उसको हम लोग प्रो देम बिल्कुल चाहता नहीं। ये देखिए हम लोग का जो जो आम जनता को लाइट फ्री डिस्ट्रीब्यूशन करो ऑलरेडी 135 मेगावाट मिलता है, इसमें से सिर्फ 50 मेगावाट दो बोला क्या, इसमें एंटी देम है क्या? जो जितना जॉब रिजर्वेशन है आज का डेट में देखिए, एक एलडीसी पोस्ट को हार्डली साल में एक एलडीसी पोस्ट जो जब एडवर्टाइजमेंट होता है इसमें 50,000 आदमी जो है फॉर्म फिलअप करके पार्टिसिपेट करता है, तो कहाँ से आपका जो सरकार जो है आज का डेट में अब जो बोलता है कि मेरा मुख्यमंत्री मेरा एकदम यंग डायनामिक मुख्यमंत्री, शर्म करना चाहिए ये बात को करते हुए। तो हम लोग का कहना है जितना जो जॉब रिजर्वेशन दिल्ली मुंबई में जो हेल्थ करता है उसको अरुणाचल में हम लोग जो जॉब रिक्रूटमेंट को लेने के लिए बोला कि ये हम लोग एंटी देम बात कर रहे थे, और यहाँ में थाउजेंड्स ऑफ नौकरी जो है अंदर में डिप्राइव करके रखा हुआ है उसको हम लोग रेक्टिफाई करो बोल रहा है, क्या ये एंटी देम है क्या? आज का डेट में बहुत दुख का बात है, एक्चुअली 60-70 सकने से 100% उल्टा हमारे यहाँ में जनरेट करना चाहिए, आप जो सिर्फ 12% ले रहा है ये बहुत शर्म का बात है। आप जो इतना जोरदार से बोल रहे हैं कि एंटी देम बना, कुछ भी लॉजिक हम समझ में नहीं आता है उसका ऊपर में। चमचागिरी करने का भी एक हद होता है, कांग्रेस पार्टी ने कहा हम कांग्रेस और ये प्रो देम को कंतर करने एक साथ में ज्वाइंट अपने एक प्रेस ब्रीफिंग निकलता है, कांग्रेस पार्टी ने सच कहा है जब जब मोदी डरता है तो पुलिस को आगे भेजते, उसी तरह जब जब पेमा कंदू डरते हैं तो निशी को ही क्यों आगे भेजता है, हम भी एक निशी है, लेकिन इसलिए आज हम बोल रहे हैं जब एक यूनियन जो है काम करेगा पब्लिक वेलफेयर के लिए इंटरेस्ट के लिए जब हम लोग बात करते हैं तो पहले निशी को ही भेज देता है प्रेस ब्रीफिंग कंतर करने के लिए। हिम्मत है तो चलो आज का दिन में हम क्लियरली बोलता है, अभी हम पूरा सबूत का साथ में हम आया, हम बोलना नहीं चाह रहा था लेकिन तब भी बोल रहा है, ये स्टेट को ना जब तक चुनावमैन जो डिप्यूटी सीएम है और स्पीकर जो पीडी सोना है और ये चीफ मिनिस्टर जो प्लानिंग फाइनेंस मिनिस्टर सब सारा का सारा उन कब्जा करके रखा है, सारा का सारा पॉलिटिक्स के बिगड़ के रखा है, आपने इतना आसानी से बोल दिया एसएसबी जो है आज का डेट में अरुणाचल को बहुत पैदामन पेमा कंदू जो दिया है बोलता है, ये तो करप्शन का साथ में ही उतरा है एसएसबी जो अच्छी विवेक जो इतना आसान से बोल दिया एसएसबी जो इतना अच्छा है लोग के लिए, हम बोलते हैं ये मुंपा लोग के लिए तो एसएसबी नहीं है, हमारा लोग के लिए सिर्फ एसएसबी क्रिएट करके रखा है, हमारा पास में सबूत है फिशरी ऑफिसर में देखिए अभी यहाँ में ये मुंपा लोग के लिए यहाँ में अपॉइंटमेंट है इसमें एसएसबी में लागू हुआ, यहाँ में हम एडवर्टाइजमेंट के लिए मांगा तो नो एडवर्टाइजमेंट, उसका बाद यहाँ में सोनम सुमू बोल के ऐसे अपॉइंटमेंट करके रख देता, और हम लोग ये हाइड्रो पावर का थ्रू में हम लोग रिसर्च करके शुरू किया है सिंस फ्रॉम 2016 एंड 11, 12, 13, 14 में भी ये उसको हाइड्रो पावर को हम बहुत ध्यान दे के मेरा जब पढ़ाई कर रहा था इसमें बहुत रिसर्च किया है, इसमें देखा है तो बिलवारा कंपनी में एक आदमी था जो दर्जी वंगचू बोल के बिलवारा पर्वत कंपनी में, तो हम लोग सोचे चलो अच्छा बात है ये तो बहुत अच्छा बात है हमारा एटलीस्ट लोकल आदमी भी तो ये पर्वत पार्टी को चलाने के लिए लाइजिनिंग कर रहा है ये कल को अच्छा काम करेगा। जिस दिन जो ये तवंग का जब हैपन शुरू हुआ है ये जो पीआरओ में था जब हैपन हो गया तो ये जो है यहां में सबूत है सबूत का साथ हम बात करें तो कुछ फर्क में दिखा है तो ये आदमी जो पीसीओ ऑफिसर बन के बैठा है सर्कल ऑफिसर बन के बैठा हुआ है तो
तो लोग के लिए एसएसबी है क्या, ये एसएसबी है क्या? तो फिर ये सीओ बनने का बाद फिर हम छानबीन किया, अरे ये तो बिलवाड़ा में पीआर होता। तो लास्ट में देखा है तो छानबीन करके देखा सीओ का बाद में फिर देखा है तो ऑलरेडी माइनिंग डिपार्टमेंट में वो जो एमडो था, एक आदमी जो इतना सारा डिपार्टमेंट में नौकरी बन के बैठा हुआ है, क्या ये आपका एसएसबी जो टीके क्या आप बताए? तो उसका बाद में वही मोम्पा लोग को बिल्कुल मैं बात करना नहीं चाहता था उसका सिलसिले में। आप एसएसबी का बारे में चाह रहा है इसलिए हम आज बोल रहे हैं, क्योंकि हम पर्सनल बेनिफिट के लिए लोग सोचेगा ये जो पॉलिटिकल मुद्दा होगा सोच के इसलिए हम बात नहीं किया, लेकिन आज मजबूर में आप लोग का बीजेपी उसका एसएसबी का बारे में हम बात कर रहे हैं। ये प्रो देम को बहुत सेंटीमेंट हुआ ये जो बीजेपी स्पोक पर्सन का ये कुछ जो प्रेस ब्रीफिंग जो ये जो है एसएसबी में आप लोग बोलता है कि बहुत अच्छा से हुआ है बोलता है, यहाँ तो मोम्पा लोग के लिए एसएसबी नहीं है, मेरा पास में 3-4 लोग का सबूत है अंदर में अपॉइंटमेंट किया वाला। अभी रिंचिंता सी पीएचसी की 3 में जब बोमदिला में था अंडर ग्रेजुएशन वाला कोई यूदेसी में अपॉइंटमेंट करता है तो हम लोग कैसे चलेगा? तो अब बोलता है कि मेरा मुख्यमंत्री, मेरा मुख्यमंत्री, शर्म करो ना मेरा मुख्यमंत्री। तो हम लोग का आचार तरफ दिमाग में और बीजेपी सरकार के लिए ही पैदा के लिए हम लोग बोल रहे हैं, जब आप किसी का अनएम्प्लॉयमेंट जॉब करेगा आपको कितना तारीफ करेगा, तो लोग को आप जो है काम कराने के लिए सोचना चाहिए, ये हम लोग को बहुत दुख लगता है। इसलिए प्रोदेव ये चाहता है अभी भी वक्त है, ज़्यादा अंदर नहीं जाने पहले सकेगा तो जो रेल में बीजेपी है अगर पेमा कांतो सच में स्थिति के लिए काम करना चाहता है अभी भी वक्त है। 15 डेज का मैंने जो अल्टीमेटम पीसफुल वन डे धरना का थ्रो से हम लोग दिया था अभी भी बुला सकते हैं। और जब आप ऐसे ही बयान देना चाहता है जो बीजेपी का जो स्पोक पर्सन है तो राउंड टेबल में बैठ के चलो आप लोग मीडिया में डिस्कस करते हैं एक्चुअल क्या चीज है। आप चुप चुप के घर में बुला के मीडिया बुला के सिर्फ ऐसे प्रेस ब्रीफिंग देते रहना ये हमारा लिए बिल्कुल हम नहीं मानता। ये ऐसे ही बीजेपी सरकार चलते रहेगा ये पार्टी को ही बदनाम करेगा, इसलिए हम चाहता है और हमारा निशी समाज के लिए तो हमें क्लियरली बोलता है, मैं भी एक निशी ट्राइब से मैं बिलोंग करता हूँ और मेरा निशी भाई भैया लोग से अच्छी भाई लोग से मैं क्लियरली रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, प्लीज़ पेमा कांतो का कहने पर, चोना मेन का कहने पर, पीडी सोना का कहने पर, अपना भाई बहन जो समाज के लिए सोशल एक्टिविस्ट के लिए काम करने आता है, लोग के लिए पैदा के लिए हम लोग बात करने आता है, तो प्लीज़ इंटरफेयर मत करिए, क्योंकि ऐसे चमचागिरी में हम लोग का भी कोई कुछ कुछ चीज़ मुद्दा जो है कोई कोई लोग का बहुत गायब हो जाता है, ताकि ये भी कल को गायब ना हो। सोसाइटी लिए जब मैं कल को लड़ाई लड़ाई करेगा ऑटोमेटिकली ये सब अच्छा अच्छा चीज़ ऐसे जो गायब हो जाता है पेमेले जिम में आ जाने से। तो मैं चाहता हूँ बिल्कुल ऐसा ना करें, तो हिम्मत है तो उन लोग पार्टी से आने दो। तो ये हम लोग का क्लियर कट मुद्दा है, तो इसलिए हम ये 15 देश का बात ये देखो आम जनता पब्लिक जो चार्टर ऑफ डिमांड जो 12 पॉइंट है तो इसमें कोई हम लोग का एंटीडेम नहीं है, बिल्कुल भी इसमें एंटीडेम का बिल्कुल ही सवाल ही पैदा नहीं करता है, तो ऐसे वो जो बात करता है। और ये बहुत दुख का बात है माइनिंग में डिपार्टमेंट में जब ये दर्जी वंगचू बोलता है, पहले मैंने बात किया जब वो जो फिर 2007 में ही उसको रिलीज करता है कि सीओ के लिए माइनिंग डिपार्टमेंट आज का डेट में बहुत करप्शन का डिपार्टमेंट में गिन सकता है, सारा सबूत को हम दिखा देगा, बहुत एंजॉय कर रहा है अभी का डेट में, ऐसा हो ही नहीं सकता है, ये चीज़ को हम बिल्कुल बात करना नहीं चाहते। ये देखिए अभी आप लोग तो जब ये मेरा अचित तारिंग ओली का बारे में आप लोग तो पता है ही है, बेचारा सिर्फ 20 आदमी लोग का सिर्फ अपॉइंटमेंट हुआ था, बेचारा एडवर्टाइजमेंट हुआ था, उसको पॉलिटिकलाइज करके क्या क्या करके वो पूरा टर्मिनेशन कर दिया मेरा निशी भाई बहन लोग। इसी को इसके लिए निशी जो अभी कंतर करने आता है ये लोग सोचना चाहिए ना, तो अभी बिना एडवर्टाइजमेंट में अपॉइंटमेंट किया उसको कब टर्मिनेशन करेगा ये लोग? ये सब बात को आप लोग सोचना चाहिए। इसलिए हम लोग का मेन मुद्दा है जो मेरा कन्वेनर ने पूरा उसका 12 पॉइंट में जो हाईलाइट कर दिया, तो हम लोग चाहता है कि जितना जो एडवर्टाइजमेंट है हमारा यहाँ से ही पावर जनरेट करता है, यहाँ में ही
कॉपरेट ऑफिस को बनाए और एनएचपीसी का जो ऑफिस है वो रजिस्टर्ड ऑफिस को तो हम लोग नहीं मांग रहे हैं क्योंकि वो हमारा भारत देश में काम करता है। तो हम चाहता है कि उधर का मिनी कॉपरेट ऑफिस बल्कि सिर्फ अरुणाचल को देखभाल करने के लिए ही भेजे ताकि हमारा यहाँ से पीआरओ बनेगा, यहाँ ऑफिस शिफ्ट करेगा तो काफ़ी लोग को पैदा होगा और लोग को ताकि समझा सकेगा। ऐसे भी आज का दिन में एनएचपीसी लोग को बहुत तकलीफ होता है क्योंकि आप लोग का थ्रू अवेयरनेस नहीं होने का कारण से, प्रॉपर आप लोग को अवेयरनेस देने नहीं देने का कारण से। तो ये चीज़ को हम लोग बोलता है कि हम लोग सपोर्ट करेगा, चलो हम लोग पब्लिक का कन्वेंस करेगा, आप लोग ही काम करो। उसको आप जो एंटी डेम डिक्लेयर करता है कैसे कैसे पार्टी नेता लोग हैं, पार्टी उस पर करके नहीं होता है। आप पार्टी में बैठे हैं तो क्लियरली बोलो जब चीफ मिनिस्टर गलत कर रहे हैं तो अरे सर जी आप गलत कर रहे हैं, ये चीज़ बात करने के लिए आप बैठो ना, बल्कि सिर्फ वो गलत करेगा आप तारीफ करते रहेगा आप जो संपत्ति मिलने के लिए, ये हम लोग बिल्कुल नहीं चाहता है। इसलिए जितना जो आज का दिन में जो जितना आप पढ़ा लिखा करके रखा है, हम लोग मेन मुद्दा है जो आज सर्टिफिकेट आप डिग्री हासिल करके रखा है हम लोग उसके लिए ही फाइट कर रहे हैं क्योंकि थाउजेंड्स ऑफ नौकरी जो यहाँ में पड़ा हुआ है। आप लोग भी देखिए ये लोग का जो स्टेटमेंट सही है कि गलत है तो उसको भी आप लोग कमेंट्स करिए तो फिर हम लोग देखते हैं क्या होता नहीं होता। तो उस प्रकार से हमने 15 दिन का बाद में फिर हम लोग धरना जो हम लोग का धरना है कंटिन्यू जो हम लोग करेंगे, हम लोग नहीं झुकेंगे, ये क्लियर कहते हैं आम जनता को मैं क्लियरली संदेश देना चाहूँगा। तो इस प्रकार से अगर ऐसे ही सरकार अगर तूतू में किसी का ऊपर में चमचागिरी करेगा ये बहुत पीछे चला जाएगा हमारा स्टेट अरुणाचल प्रदेश, इसलिए हमारा साथ जोड़िए। और ये लोग कहता है कि फिर आपका स्पोक पर्सन भी वही बोल रहा था कि जो पढ़ा लिखा जो डिग्री करके करके रखा है उन लोग के लिए नौकरी नहीं मिलने का सवाल ही नहीं होता है, होता है कैसे सवाल नहीं, जितना जो एमटेक बीटेक पीएचडी करके रखा आज का दिन में अनएम्प्लॉयमेंट करके रखा है क्या वो जो नकली सर्टिफिकेट खरीद के लिखा है, ये चीज़ को सोचना चाहिए नहीं बोलने पहले। ये जो है बहुत बड़ा मेन मुद्दा है जो जितना जो पीएचडी इतना हायर पूरा एकदम पूरा एमटेक मार के रखने वाला लोग आज अनएम्प्लॉयमेंट करके आप आसानी से बोल दिया सवाल ही नहीं है बोलते, ये बहुत दुख वाला बात है। इसलिए हाइड्रो पावर में अभी भी इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत सारा नौकरी है, उसको हम लोग अंत तक फाइट करेंगे और आप लोग को जो दिला के ही रहे। अगर सरकार नहीं बनेगा हम तो चाहता है, अगर आप करना ही नहीं चाहता है तो आप पद से ही छोड़ देने से अच्छा है। आज मैं मेरा दिल से बोल रहा हूँ, कभी तो ये चीज़ हम बात करना भी नहीं चाहता था। अगर पद से छोड़ना ही नहीं चाहता आपको इतना लालची है तो हमारा मकसद को पूरा कर दो, इसमें हम लोग कोई बना के नहीं बोला। क्योंकि ये देखिए आम जनता लोग क्लियरली सुनेगा कि हमारा पास में ये जितना जो अपॉइंटमेंट है ना, ये जो है देखिए ये जो सारा जितना जो एम्प्लॉयमेंट जो अपॉइंटमेंट लेटर है हाइड्रो पावर डिपार्टमेंट का ही है सिंस फ्रॉम 2008, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17 तक का है हमारा यहाँ में। क्योंकि ये आप लोग सेंटीमेंट चीज को क्रिएट करने का वजह से हम थोड़ा सा इसलिए ब्रीफिंग करें। जब ये पेमा कांदू का पिताजी दर्जी कांदू जब चीफ मिनिस्टर में था, इसको हम बना के नहीं बोल रहे, आप लोग देखिए एक ही एलडीसी पोस्ट को यहाँ में 10-15 आदमी को अगर अपॉइंटमेंट करता है तो जितना उसका मोम्पा प्रति को डायरेक्ट ऑफिस सिटिंग देता था, ऑफिस सिटिंग अपॉइंटमेंट करता था प्योरली ऑफिस सिटिंग, और बाकी जितना तनी बेल्ट का होगा उसको टेम्पोरेरी अपॉइंटमेंट देता है। यहाँ में ऑलरेडी है एक ही दिन का अपॉइंटमेंट और उसका प्योन लुक लेवल तक भी ऐसे था, ऐसे करता था, फिर आज वही नियत जो है चीफ मिनिस्टर का साथ में पड़ा हुआ तो कैसे हम लोग विश्वास करेगा। अगर ये आपका बाप का नियत को अगर आप बरकरार नहीं रखना चाहता है तो प्लीज़ शांति से काम करिए और हम लोग का जो मकसद है उसको भी आप पूरा करिए। तो हम लोग से कोई आपत्ति नहीं आपका जो चेयर से, ये हमारा प्रोदेव का दिमाग है।